नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतू गौर-केलारिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गांव मंगलई में मजदूर की हत्या, अंबाला से इस वक्त की खबर आप देख पा रहे हैं। सिर पर कई वार कर की गई हत्या, मजदूर की हत्या, गांव मंगलई का बुरा मामला, परिवार के ही लोगों पर पुलिस ने जताया हत्या का शक। मामले की जांच में जुटी पुलिस, इस वक्त की बड़ी खबर आप अंबाला से देख रहे हैं, जहां पर गांव मंगलई में एक मजदूर की हत्या का मामला सामने आया है। मूल रूप से नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। गांव मंगलई में मजदूर की हत्या, परिवार के ही लोगों पर हत्या का शक जताया जा रहा है। सिर पर कई वार कर की गई हत्या, परिवार के ही लोगों पर पुलिस ने जताया हत्या का शक। मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। मजदूर की हत्या, गांव मंगलई में मजदूर की हत्या हुई है, मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था मृतक। बड़ी खबर अंबाला से, गांव मंगलई में मजदूर की हत्या, और इस हत्या की जो वारदात है उसका जो शक है वो पुलिस परिजनों पर ही जता रही है। परिवार के लोगों पर ही पुलिस का शक है कि परिवार के ही लोगों ने मृतक मजदूर की हत्या की है। सिर पर कई वार करने के बाद युवक ने तोड़ा दम। मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था मृतक। अंबाला से खबर आप देख पा रहे हैं। इस पर गांव मंगलई में मजदूर की हत्या, ज्यादा जानकारी के साथ राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राजकुमार, क्या कुछ ही पूरा मामला है, मजदूर की हत्या, लेकिन शक अब परिजनों पर ही जताया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये मंगलई की एक ट्यूबवेल के वहाँ जो है सभी झोपड़ी में रहा करते थे और वहाँ ट्यूबवेल पे ही काम किया करते थे और नेपाल के रहने वाले हैं ये। और रात को जो है इसके बेटे ने और इसकी पत्नी से ये शक जाहिर किया गया पुलिस द्वारा कि उन्होंने रॉड से जो है मारकर इसकी हत्या कर दिया है। और फिलहाल पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी जो है फरार बताए जाते हैं और मृतक जो है उसकी शव को जो है सिविल अस्पताल में भेजा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार जानकारी देने के लिए। तो मजदूर की हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है और परिजनों पर ही शक पुलिस की तरफ से जताया जा रहा है।